Send you voice notes, baby, but you never answer, 'cause I busy with the others. Ooh, ooh. I put those, those don't really, really love me, but those don't really fall away. Hello everyone, welcome and I'm Sneha. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेली कॉलेज या ऑफिस मेकअप लुक जो कि आप बस 5 मिनट में अचीव कर सकते हो इजीली. सो मैं सबसे पहले यहाँ पे फेस मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ. आप कोई भी अपने पसंद का रेगुलर जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो उसको यूज़ करके अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन एज बिकॉज दिस इज़ अ डे टाइम मेकअप. जैसा मैंने बताया ये कॉलेज एंड ऑफिस गर्ल्स के लिए है बेसिकली. तो यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई करना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज येस सनस्क्रीन के बगैर आप धूप में जाओगे तो यू नो वट इज़ गोइंग टू हैपन विथ योर स्किन. सो येस इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई सनस्क्रीन. एंड सनस्क्रीन को हमें रगड़ रगड़ के मल मल के नहीं लगाना है, इसको जस्ट डैप डैप करना है एंड जस्ट अपने स्किन के ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाए इसी तरीके से लगाना है. सो सनस्क्रीन मेरी हो जाने के बाद देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. एंड मेकअप मैंने बहुत ही आज सिंपल रखी है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि येस ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लाइक रेगुलर एंड बहुत ही टाइम कम होने में जो हम करते हैं वही करेंगे. अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ पाउडर एंड पाउडर मैं यहाँ पे लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ रोज़ पाउडर. इस पाउडर को लेके मैं एक स्पंज के मदद से जहाँ जहाँ भी मतलब पिगमेंटेशन है हल्का या जहाँ भी मुझे लग रहा है कि डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे मैं जस्ट ऐसे डैब डैब करके अप्लाई करूँगी. यू कैन ऑल्सो से दिस बेकिंग. एंड आपको लग रही होगी कि ये स्टेप करने से बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा एंड बहुत टाइम लग जाएगा. नो गाइज ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं डिटेल में आपको दिखा देती हूँ. तो अभी हम मतलब जब तक हमारी बेकिंग होगी तब तक हम बाकी का मेकअप कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हम इसको डस्ट ऑफ कर देंगे. इससे क्या होगी आपके फेस में बहुत ज़्यादा लेयर बाई लेयर मेकअप भी नहीं होगी क्योंकि डेफिनेटली डे टाइम है, हम बस ट्रम में ट्रेवल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेकअप जो है पिघलने के चांसेस होते हैं. इस तरीके से आप मेकअप करोगे तो बहुत आसान रहेगा मेकअप करना एंड आपको फिर ब्लेंडिंग एंड ऑल इन सब की परेशानी भी नहीं होगी, मेकअप गलने के भी चांसेस नहीं होंगे. अभी मैं शिवाना का जो आईब्रो पाउडर है उसको यूज़ करके अपने आईब्रो सेट कर रही हूँ. मैं यहाँ पर पॉमेड डेफिनेटली यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज दिस इज़ अ सिंपल मेकअप. अभी मैं एक लाइक ऐसे पाउडर बफिंग ब्रश लेके अपने जो पाउडर मैंने लगाई थी उस एक्सेस पोर्शन को डस्ट ऑफ कर दूंगी. आप ये स्टेप एकदम लास्ट में भी कर सकते हो, इस टाइम पे भी कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस. मैं अभी करके आपको बता रही हूँ. इसे मैं अच्छे से डस्ट कर दूंगी एंड अभी आप देखो एक कंटूरिंग वाली शेड भी मेरे आ गई है एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर भी लग रही है एंड काफ़ी ज़्यादा एक हाईलाइटिंग एरिया भी लग रही है जैसे अंडर आई, वहाँ पे जो भी डार्क स्पॉट्स है वो सारे छुप गए हैं और हमने फाउंडेशन भी अप्लाई नहीं करी है. अभी मैं प्लम का काजल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये लुक जो है वो काफ़ी हद तक सारा अली खान से इंस्पायर्ड है तो उनकी जो फ़ोटो को मैं फॉलो कर रही हूँ उस पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा काजल लगाई हुई मुझे लग रही थी तो मैं काजल लगाया एंड देन हल्का सा उसको स्मच कर रही हूँ एक ब्रश के मदद से. मैं ब्रश में भी हल्का हल्का काजल लेके फिर उसको अच्छे से लगा रही हूँ ताकि जो है स्मज वाला एक इफेक्ट आ जाए अच्छे से. अभी मैं इसके बाद लगाऊंगी मस्कारा एंड मस्कारे के लिए मैं एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. ट्रस्ट मी गाइस दिस इज़ अ ग्रेट मस्कारा इन बजट एंड इसको मैं लगाऊंगी. मैं लाइनर को स्किप कर रही हूँ बिकॉज येस आप कितना भी बोल लो टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइनर लगाना इट टेक्स अ बिट टाइम. ओके सो इसके लिए मैं लाइनर को स्किप कर रही हूँ. एंड मस्कारा जब आप काफ़ी सारे लगाते हो आप अभी डिफरेंस देख पा रहे हो मेरे दोनों आईज़ में, एक में मैंने मस्कारा लगाया है दूसरे में नहीं लगाया है तो आई फील दैट इज़ टोटली इनफ फॉर अ डेली मेकअप. अभी मैं एक रेड लिपस्टिक लगाऊंगी एज इंस्पायर्ड बाई द पिक्चर्स. सो येस इसके बाद मेरी मेकअप हो जाएगी ऑलमोस्ट डन एंड मैं यहाँ पे अपने बालों को ओपन कर दूंगी एंड देन हाथों से ही इसे सेट कर दूंगी एंड इसी तरीके से मेरी मेकअप हो जाएगी कंप्लीट. So you always know, baby, but you never answer, 'cause I'm busy with the others.